ఆటోమొబైల్ డ్రోన్ రంగాలను ప్రోత్సహించేందుకు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది కేంద్ర కేబినెట్. ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు దాదాపు 26,000 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది. డ్రోన్ల తయారీ రంగాలను ప్రోత్సహించేందుకు 120 కోట్లను కేటాయిస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆటోమొబైల్ రంగంలో ప్రోత్సాహకాలతో భారీగా దిగుమతులను అడ్డుకోవచ్చన్నారు కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్. తయారీ రంగం బలోపేతమైతే ఉపాధి కల్పనతో పాటు ఆర్థికంగా భారత్ వృద్ధి చెందుతుందన్నారు. भारत में विनिर्माण के क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं. और इस योजना में कुल मिलाकर जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा. आज जितने ऑटो कंपोनेंट विदेश से आते भी हैं, उसका भी निर्माण देश में हो, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका लाभ मिलेगा. और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो 12 बिलियन डॉलर का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं. कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम 15 बिलियन डॉलर का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है 17 बिलियन डॉलर का करते हैं. तो 17 बिलियन डॉलर के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे. और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ती है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है.